अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम ये एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो मैं जब एक्सरसाइज करवा रहा था तो उस वक्त ये क्वेश्चन रह गया था करवाने के लिए। इसके मैं 1 से लेकर 6 तक और 8, 9, 10 में सवाल करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो रह गया था, आज इस वीडियो में मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। देखें, आपको मालूम है कि जब भी दो टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हमेशा क्या लिया जाता है? एलसीएम। तो एक्स एलसीएम किसका होता है? डिनोमिनेटर्स का, यानी एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है? अब आपको मालूम है कि एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा, क्या बचा? एक्स प्लस टू, जो ऊपर थ्री से जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यानी थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू से। इसी तरह प्लस, अब यहां पर ये x प्लस टू से कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x प्लस वन, जो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? वन से। तो यानी वन मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन से। ये एक ब्रैकेट को हमने सोल्व कर दिया। इसी तरह डिवाइड का सिंबल बनाया। अब यहां देखिए, वन के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने क्या सपोज कर लिया? वन है, ठीक है? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, यानी x प्लस थ्री और वन का एलसीएम लिया तो क्या आएगा? x प्लस थ्री। अब x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कैंसिल हो गया, तो यानी यहां वन बिल्कुल कैंसिल हो गया, तो वन बचा, जो ऊपर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वन टू। अब वन किससे, वन के टेबल में x प्लस थ्री कब आएगा? वन के टेबल में x प्लस थ्री तब आएगा जब वन किससे मल्टीप्लाई होगा? x प्लस थ्री से। तो यानी ये जो वन है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस थ्री के साथ, ठीक है? तो ये आ जाएगा वन x प्लस थ्री, डिवाइड कर दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखें, थ्री को एक्स से किया तो क्या बन गया? थ्री एक्स, थ्री टू दिक्स। वन को एक्स से किया तो क्या बन जाएगा? एक्स, और वन वन दन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ठीक है? और ये डिवाइड हो गया, टू माइनस वन को एक्स से किया तो एक्स आ गया, माइनस प्लस माइनस, वन थ्री जा थ्री। इसके बाद क्या होगा? देखें, 3x और x कितना हो गया? 4x, और 6 प्लस वन कितना हो गया? 7 अपॉन x प्लस वन, x प्लस टू। यहां पर डिवाइड का सिंबल था, 2 में से आपने 3 को माइनस किया तो माइनस वन बचेगा, यानी माइनस एक्स और माइनस वन अपॉन x प्लस थ्री। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड के सिंबल को हम लोग चेंज कर देंगे। तो जब आपको मालूम है कि डिवाइड को चेंज किया जाता है मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर नीचे आ जाता है। ये टर्म एज इट इज नीचे लिख दी, यहां पर हमने इसको चेंज कर दिया, तो x प्लस थ्री ऊपर चला जाएगा और माइनस एक्स माइनस वन नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, देखें, ये स्टेप, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज नीचे आ जाएगी, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। यहां पर आपने क्या किया, देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस है, तो मैंने बाहर कॉमन माइनस निकाल दिया। जब आप कॉमन बाहर माइनस निकाल देंगे तो देखें, माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, वन भी पॉजिटिव हो गया। ये क्यों निकाला मैंने, देखें, इससे फर्क, इसके आगे जो मैं इसको ऊपर रफ करके सोल्व करवाता हूं। तो देखें फ्रेंड, इस स्टेप के बाद क्या होगा, मैं यहां ऊपर कर रहा हूं, 4x प्लस सेवन अपॉन x प्लस वन, एक्स प्लस टू, और ये भी क्या है? x प्लस वन। ये जो माइनस का साइन था, ये आपको मालूम है कि यहां आ जाएगा दरमियान में, ठीक है? और ऊपर क्या था? x प्लस थ्री, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, माइनस 4x प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री। अब देखें, ये भी x प्लस वन है और ये भी x प्लस वन है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही थी, पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, यानी इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, तो वन और वन कितना हो जाएगा? टू, और ये x प्लस टू आ गया। तो बेसिकली ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये माइनस में यहां बीच में डाल देता हूं,
तो इस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो मैंने पूरे सवाल करवाए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ये क्वेश्चन रिमेनिंग था जो मैंने करवा दिया। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।